हेलो गाइस, मैं रंजन सिंह लोधी। वेलकम टू माय चैनल RSL एडुलाइन। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। इसमें आपको GS, GK, इंग्लिश एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित जो मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं या सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो इसमें क्या है? गुजरात। भारत में 9 राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। इसमें से गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक 1200 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का दूसरा नंबर आता है। अब हम देखते हैं सेकंड, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंध प्रवचन संकलित हैं? तो विनय पीटक, जातक कथाएं, अधिधम पीटक और सुक्त पीटक। तो इसका आंसर डी है, सुक्त पीटक। महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत से संबंधित प्रवचन सुक्त पीटक में संकलित हैं। थर्ड आता है, भारत में सबसे कम नागरी जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, केरल, नागालैंड, मणिपुर। तो इसमें आपका कौन सा है, आंसर क्या है? सिक्किम। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में सबसे कम नागरी जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। क्या है? सिक्किम। अब आता है फोर्थ, निम्न में से राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? परमार वंश, सोलंकी वंश, तोमर वंश, चौहान वंश। तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका? तोमर वंश, सी। तोमर वंश के शासक अनंग पाल ने दिल्ली का नगर की स्थापना की थी। किस शासक ने? तोमर वंश के शासक अनंग पाल ने, है ना। फिफ्थ, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए, है ना, किस सुल्तान ने? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, बलबन, है ना। तो इसका आंसर क्या है? बी, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार सुधार के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कई कार्य किए जिसके लिए उसने दीवाने ए रियासत, साहना ए मंडी, बरीद आदि अधिकारियों की नियुक्ति तथा बाजार के लिए मूल नियंत्रण प्रणाली को लागू किया, है ना। अब आपका आता है सिक्स, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती है? सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को, दरबारियों को? सिक्स का आंसर, तो इसका आंसर क्या है? सी। क्या है? सी। गुप्त काल में ब्राह्मण वर्ग को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे धर्म निरपेक्ष कहा जाता था, जो कि कर रहित भूमि होती थी, है ना। अब हम देखते हैं सेवेंथ, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं और अकबर। तो इसमें आता है क्या? डी, अकबर। मुगल काल में महान सम्राट अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। एट्थ, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है?
गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न। तो बताइए आप इसमें कौन सी नहीं है? तो इसमें क्या आती है? डी, साहित्य रत्न जो है। तुलसीदास एक महान कवि तथा साहित्यकार थे। उन्होंने गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका नामक ग्रंथों की रचना की है ना? तो ये सारे जो है ना, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, ये तुलसीदास द्वारा रचित हैं। साहित्य रत्न जो है वो तुलसीदास जी ने नहीं लिखी है। फिर आपका आता है नाइन्थ, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत, आमत, सर इनोवत या सचिव। नाइन्थ का बताइए क्या है? नाइन्थ में तो इसका क्या है? ए, सुमंत। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था, जो उनके अष्ट प्रधान में से एक होता था। एक चीज और आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो शिवाजी थे, उनने अष्ट प्रधान जो शासन प्रणाली है वो विकसित की थी। अब आता है टेंथ, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, है ना? तो इसका आंसर क्या है? ए, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन 1699 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने सिखों के लिए पांच ककार, केस, कंघा, कृपाण, कक्षा, कड़ा को अनिवार्य किया था। फिर आप आता है इलेवेंथ, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1904, 1907 और 1906, है ना? तो इसका आंसर क्या है? डी, 1906। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में वर्ष 1906 में ढाका में सलीमुल्ला खां व आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में वर्ष 1906 में ढाका में सलीमुल्ला खां और आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। फिर आता है बारहवां, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर क्या है? बी, सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1938 में हरिपुरा में हुई कांग्रेस के अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इस अधिवेशन में ही राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। ओके, फिर आपका आता है भारत के विभाजन के संबंधित माउंट बैटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? 4 जून 1947, 10 जून 1947, 3 जून 1947, 3 जून 1947। ये डबल डबल, तो इसमें आप इसका आंसर जो है 14 का जो आंसर है, 13 का आंसर, सॉरी, इसका आंसर डी, डी आंसर है। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 की घोषणा की। भारत का विभाजन ही इस समस्या का हल और भारत को दो राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाए, इस घोषणा को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है ना? तो इसका 3 जून। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की? लॉर्ड जॉनसोर, लॉर्ड क्लाइव,
लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना? तो इसका आंसर क्या है? सी, लॉर्ड क्लाइव। गवर्नर जनरल लॉर्ड, सॉरी, इसका जो आंसर सी है, क्या है? सी, डी नहीं है, सी आंसर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की, जिसके आधार पर जमींदारों को भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को देना होता था। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। तो इसका आंसर क्या है? सी, लॉर्ड कॉर्नवालिश। पंद्रह, भारत सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। 1968, 1970, 1969 और 1965। तो इसका आंसर क्या है? सी, सी क्या है? 1969। देश के 14 बड़े निजी बैंकों का सरकार ने 17 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके बाद 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया। सबसे पहले 14 का हुआ और फिर बाद में 6 बैंकों का और हुआ। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु, है ना? तो इसका आंसर क्या है? ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जो मेघना एवं हुगली नदी के बीच स्थित है। डेल्टा वाले क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष की अधिकता है, इस कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है ना? तो इसको ध्यान रखिए। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है ना? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या है? सी, इसका सी आंसर क्या होगा? उड़ीसा। 17, सी, उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना? भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? 18, है ना? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर मार्च 1971, सी। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश एक पूर्ण राज्य के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इसके पहले यह पाकिस्तान का पूर्वी भाग कहलाता था। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि यह है 26 मार्च 1971 को पूर्ण राज्य या स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया, है ना? इसके पहले यह पाकिस्तान का एक पूर्वी भाग था। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। अंतरस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है माही, घाघर, नर्मदा, कृष्णा। तो इसका आंसर क्या है? बी, बी क्या है? घाघर। शिवालिक की पहाड़ियों से उत्पन्न घाघर नदी अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है ना? तो ध्यान रखना। कर्क रेखा गुजरती है,
कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इनमें से, इन सभी से, है ना। तो इसमें आपका 20 कौन सा आंसर है? डी। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है जिस पर ये राज्य हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। तो आप को इसको ध्यान रखना है कि जो कर्क रेखा गुजरती है तो सबसे पहले ऊपर से हम देखें वहाँ से तो मिजोरम, फिर त्रिपुरा आता है, फिर पश्चिम बंगाल आता है, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो यह है, इन राज्यों से गुजरती हुई जाती है कर्क रेखा। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के वीडियो जो हैं आपको और मिलते रहेंगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।